बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर। तो बच्चों, मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का अध्याय 6 बेटा, जिसका नाम है जैव उपक्रम, लाइफ प्रोसेस। आज उसका लेक्चर नंबर 13 है। आज इसमें हम बेटा सारे इंपोर्टेंट, सारे PYQs जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से, वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, हमने बेटा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। यदि किसी भी बच्चे ने ये चैप्टर नहीं देखा है, सारे लेक्चर नहीं देखे, तो बेटा इस क्लास में इंटर मत करिए, क्योंकि इसमें हम सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि जिस बच्चे ने क्लास अटेंड करी होगी, पूरी क्लास अटेंड करी होगी, वही इन क्वेश्चन को बना पाएगा। ठीक है, यदि कोई बच्चे ने क्लास नहीं अटेंड करी है, तो प्लीज मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं, पहले वो क्लास जरूर अटेंड करें। ठीक है बच्चों, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें किस प्रकार के बेटा क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बेटा दोनों प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चन से फायदा क्या होने वाला है बेटा? इन क्वेश्चन से ये फायदा होने वाला है कि आपका बेटा चैप्टर कितना क्लियर है। ठीक है, आप इस चैप्टर में कितना बेहतर कर सकते हैं, ये कर पा रहे हैं। ठीक है, आप इस चैप्टर की कितनी अच्छी आपकी तैयारी हुई है, ये सब आपको क्वेश्चन आंसर से पता चल जाता है। ठीक है, यदि आपसे बेटा क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो आपका चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं है। ठीक है, जहां पर आपको दिक्कत आ रही है ना, आप वही वाला मेरा लेक्चर जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव से। ठीक है बेटा, ये व्हाइट बोर्ड है, तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवाने में दिक्कत होती है। ठीक है, पर फिर भी मैं डिजिटली तरह से मैं आपको करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पढ़िए बेटा, ऑब्जेक्टिव है। और जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आप फटाफट आंसर कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, कमेंट में आंसर लिखो, तभी तो बेटा मजा आएगा क्वेश्चन आंसर करने में, तभी तो मजा आएगा। क्या लिखा है पढ़ो, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? बताओ बेटा, बहुत अच्छे से बताया मैंने, फटाफट बताओ, वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है बताओ? पहला जड़, तना, पत्ती, फूल, किसमें होता है? फटाफट लिख दो बेटा। ठीक है, और मैं आंसर लिख रहा हूं और अपना मैच करना। ठीक है, इसका आंसर है सी। किसमें होता है? पत्ता में। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहां होती है बेटा? पत्ते में होती है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन आपकी बेटा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल है बेटा किस तरह का होता है? मैंने बताया था क्लोरोफिल पहले कहां पाया जाता है ये बताओ, पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां किस प्रकार की होती है बता दो बच्चों, अब तो लिख दो, लिख दिया होगा, आई होप सभी बच्चे लिख दिया होगा बेटा, लिख दिया। कैसी होती है पत्तियां, कैसी होती है? हरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। सभी मैच करते जाओ बच्चों, मैं आपको बेटा डिजिटली रूप से करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आप बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो स्क्रीन पर, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो किसकी प्राप्ति होती है बताओ मुझे, प्रकाश संश्लेषण में किसकी प्राप्ति होती है बताओ बच्चों? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश, किसकी होती है? क्या बनता है बेटा? सब में यही बनता है, क्या बनता है? C6H12O6। क्या है ये? क्या है बेटा ये? ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। क्या है बेटा? वो ग्लूकोज है। इतना आ गया समझ में? अब देखते हैं हम 4th क्वेश्चन। ठीक है, आज बेटा मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, इसलिए थोड़ा फटाफट करेंगे। ठीक है, 4th क्वेश्चन क्या है बेटा? मत्स्य का, जो भी हमारी मत्स्य होती है का मुख्य श्वसन अंग है, जो भी मछली है बेटा उसका श्वसन अंग क्या है? क्या बेटा? किया है। ठीक है, यह बेटा फेफड़ा है, गिल्स है या नाक है बताओ क्या है? जल्दी देखो बेटा, क्वेश्चन देखो और कमेंट करो फटाफट। तो यह है बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th का सी। क्या लिखा बेटा? गिल्स। जो बेटा इसको हम हिंदी में कहते हैं गलफड़े। ठीक, क्या कहते हैं हिंदी में? गलफड़े कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 4th हो गया हमारा
फिफ्थ क्वेश्चन देखो फटाफट स्क्रीन पर आपकी, बेटा आपकी स्क्रीन पर है फिफ्थ क्वेश्चन, आप फटाफट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसका आंसर क्या है। मानव हृदय में पाए जाते हैं, बेटा मानव में कितने कमरे पाए जाते हैं बताओ, खूब अच्छे से बताया था, बताओ मुझे, सब बताओ, सब बताओ बेटा, कितने पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कितने पाए जाते हैं, चार बेशियम। ये बेटा बेशियम या कमरे एक ही बात है बेटा, इसको बोलते हैं हम और भी क्या कहते हैं, मतलब कितने कमरे पाए जाते हैं, ठीक है। या बेशियम मतलब वही होता है, ठीक है, कौन कौन से होते बेटा, बायालिंद बाया नीले, दयालिंद दया दया नीले, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं हृदय के, ये भी आ सकता है, तो कितने होते बेटा, चार होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, हमें समझना खुद ही है। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें बेटा, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सिक्स आ रहा होगा, देखिए क्या है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, श्वसन या चरण, बताओ बेटा, बताओ। अच्छा जीव के लिए क्या आवश्यक है भैया, उसके लिए ऊष्मा आवश्यक है, ऊर्जा आवश्यक है। ऊर्जा कहां से मिलती है, खाने से, कहां से मिलती है, खाने से। जब ग्लूकोज जाता है तो फिर ऑक्सीजन टेक करती है, किसमें तोड़ देती है, जलोर पानी में, जलोर पानी बता रहा हूं, पानी और हमारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, और ऊर्जा बनती है, तो ऊर्जा वो हमें मिलती है। ये प्रक्रिया पूरी क्या होती है बेटा, श्वसन होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बेटा इसका हो जाएगा सी, श्वसन। श्वसन सब 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 जीव के लिए क्या है बेटा, अनिवार्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे हम फटाफट, क्वेश्चन नंबर सेवन देखो। मानव में डायलिसिस थैली, डायलिसिस बेटा बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था कि डायलिसिस क्या होता है, इसको बेटा कृत्रिम वृक्क भी कहते हैं, इसको हिंदी में अपोहन भी कहते हैं, बताया था बेटा। इसमें मनुष्य की किडनी खराब हो जाती है, मनुष्य की किडनी खराब हो जाती है और उसको कृत्रिम रूप से मानव द्वारा ब्लड को फिल्ट्रेशन किया जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ठीक है, पढ़ो गया। मानव में डायलिसिस की थ्योरी क्या है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकांड्रिया या इनमें से कोई नहीं, बताओ फटाफट बताओ बेटा, सोचो जल्दी जल्दी। यदि बेटा आप कमेंट नहीं करोगे तो आप अपने ही साथ धोखा कर रहे हैं, ठीक है। मैंने तो बेटा पूरा चैप्टर करवाया ना, यदि आपका क्लियर नहीं है चैप्टर तो आप हमारे लेक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बेटा आप यूट्यूब चैनल पर हमारे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप भी हम थोड़ा प्यार दिखाइए जिससे कि मैं थोड़ा और मोटिवेटेड हूँ आपके लिए और अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नेफ्रॉन, 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 इसको बेटा ब्रकाणु भी कहते हैं, ब्रकाणु, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, ब्रकाणु कहते हैं, जो हमारी किडनी के अंदर ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर एट, कवक में पोषण की विधि, बेटा बताओ। पोषण वाला तीन क्लास लिया था पोषण के, तीन चार क्लास में किया था मैंने पोषण पूरा खत्म, बताओ कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है, कवक क्या है बेटा, मशरूम देखा है सबने, कवक होता है, है? जो लकड़ी होती है, लकड़ी को सड़ा देता है, सड़ा देता है, ठीक है, सड़ा देता है, इतना है पता, और खुद उस पर जम जाता है, देखा होगा मशरूम है, और भी वो छतरी छतरी सी होती है, तो बेटा वो किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करती है, मृत जीवी से, किस तरह। इसका क्वेश्चन आठ का बेटा सही आंसर होगा वी वाला, मृत जीवी, ठीक है, क्लियर नोट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बेटा, बहुत अच्छा है क्वेश्चन नंबर नाइन, सभी रीड करेंगे। मनुष्य में ब्रक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, जो बेटा ब्रक है हमारा किडनी है वो किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से, बता बेटा जो किडनी है उसका क्या काम होता है, क्या पूछ रहा है, किडनी है उसका बेटा क्या काम होता है, बताओ मुझे उसका क्या काम होता है, सर उसका काम होता है उत्सर्जन का, तो बेटा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब फटाफट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर टेन आ रहा है, पढ़ो। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है, तो बेटा डेफिनेशन दे दी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी, पौधों के वायवीय भागों से जल की हानि हो रही है, जल का बाष्पोत्सर्जन हो रहा है, देखो इसमें आंसर दे रखा है कि पराकरण है, निषेचन है, विसरण है या बाष्पोत्सर्जन है, तो बाष्पोत्सर्जन है, क्या ये बाष्पोत्सर्जन, राइट आंसर डी, बाष्पो
वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जल वाष्प बनकर उड़ता है, यह जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। आप देख सकते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप सभी बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको। देखिए, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, कौन कौन से प्रक्रम है बताओ, कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा ऊर्जा बनती है, ऊर्जा बनती है कौन सा है, जल्दी बताओ बेटा दिमाग क्या बोल रहा है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा बनती है, ऊर्जा अभी कैसे बन रही थी, अभी मैंने जस्ट बताया भी था मेरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एक इसी प्रकार का बताया था मैंने, बताया था सभी जीव के लिए क्या आवश्यक है, श्वसन, ऊर्जा किसमें बनती है, श्वसन, हमें क्या चाहिए, ऊर्जा। जो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ ये कैसे पढ़ा पा रहा हूँ बेटा, ऊर्जा की वजह से, कैसे ऊर्जा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्या है बेटा, श्वसन, श्वसन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा, क्या मिलती है, ऊर्जा। ठीक है, अब देखते हैं हम 12th क्वेश्चन बेटा क्या है हमारा, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, फ्लोयम में, कॉर्टेक्स में, ठीक है, छाल में, पुराने जाइलम में, बताओ। रेजिन एवं गोंद, ये मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, ये बेटा जो अभी जस्ट बेटा जो जस्ट पहले इससे क्लास हुई उसमें मैंने बताया था रेजिन और गोंद के बारे में, बताया था कि पेड़ पौधे ये अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकालते हैं बाहर, ठीक है, रेजिन एवं गेंद है गोंद, ठीक है, ये बेटा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पुराने पुराने बेटा जाइलम में, किसमें, पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पुराने जाइलम में। सब इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, सब क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। तो बेटा ये हमारे थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या थे, ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में सीधे बेटा डिक्टो आते हैं, वो जो बेटा आज मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ना, बोर्ड एग्जाम में आपको डिक्टो मिलेंगे, आप देख लेना, आप देख लेना, और बेटा आपका पूरा चैप्टर इससे भी क्लियर होने वाला है, क्वेश्चन आंसर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आपके सामने पहला एक क्वेश्चन दिखेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप कौन से करेंगे हम, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या पाया, पढ़ो सभी, पढ़ो जल्दी पढ़ो, जैव प्रक्रम क्या है, मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि जैव प्रक्रम क्या है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहीं से बेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैव प्रक्रम क्या है, एक नंबर की आ सकती है, पढ़ो सभी। तो बेटा यह है इसका आंसर, आप देख सकते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है, तो सभी रीड करेंगे बेटा, क्या है कि वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है, सभी अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो सब जैव प्रक्रम, कौन कौन से, शोषण है उसमें बेटा, उत्सर्जन है, बहन है, ये सब क्या है हमारे, जैव प्रक्रम है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि श्वसन क्या है, क्या बेटा दिख रहा है, श्वसन क्या है, चलो पढ़ लेते हैं फटाफट, पढ़ेंगे ना, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ठीक है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है, ठीक है, जो भी श्वसन की प्रक्रिया मैंने क्लास में करवाई थी बहुत अच्छे से करवाई थी, ठीक है, आप एक बार डेफिनेशन देख सकते हैं इसकी। देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन क्या है, उत्सर्जन किसे कहते हैं, बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर में आते हैं, शरीर से उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, जैव प्रक्रम, हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, जैव प्रक्रम कर रहे हैं, ये बेटा क्या सब ये जैव प्रक्रम, शरीर में जो भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको सबको निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने विसरण क्यों अपर्याप्त है, क्यों अपर्याप्त है, तो इसका आंसर देखेंगे, क्योंकि समस्त कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती हैं, विसरण प्रक्रिया फेफड़े द्वारा जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तभी होता है, विसरण दाब की दक्षता कम होती है, अतः विसरण समस्त कोशिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है, विसरण क्यों अपर्याप्त है, विसरण हमारे लिए क्यों नहीं मतलब पर्याप्त है, ये है क्वेश्चन, ठीक है, एक बार देख लेंगे आप। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, ठीक है बेटा, मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए,
कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? कि भैया कोई चीज सजीव है, जीवित है, उसको हम कैसे मापित करेंगे? ठीक, आदर्श अंगूठित सजीव होने का प्रमाण, आदर्श सजीव सजीव होने मतलब कि उसकी हम आदर्श गतियां देखेंगे। मैंने आपको बताया था सजीव क्या होती है, जिसमें बेटा आदर्श गतियां होती है, पाचन है, पाचन हमें आंखों से दिखता है क्या? जो पाचन करता है, वृद्धि करता है, ठीक है, और जो बेटा उत्सर्जन करता है, वो सब क्या है बेटा? सजीव के ये लक्षण थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा होगा। किस जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? किसी जीव द्वारा है ना, कौन सी कच्ची सामग्रियां दी बेटा? भोजन, जल और ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब क्या है भाई? कच्ची सामग्रियां हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जीवन के अनुरक्षण के लिए अभी मैंने जो बताया था कि प्रक्रम क्या होता है, जो वह चीजें जो हमारे अनुरक्षण का कार्य करती है, कौन कौन सी चीजें? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, दहन, और वही इसमें जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों का को आवश्यक मानेंगे? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और दहन को। आगे देखो क्वेश्चन बेटा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड वाले, ये एक नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा। उस जैव उत्प्रेरक को क्या कहते हैं जिसका उपयोग जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने में करते हैं? बताओ उत्प्रेरक क्या बताया था मैंने, उत्प्रेरक कौन सा बताया था मैंने? ये भी बताया था कि आपको कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको लेक्चर हमारे डिटेल लेक्चर देखने पड़ेंगे। अभी तो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं तो फटाफट में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस जैव उत्प्रेरक का नाम है बेटा एंजाइम। क्या नाम है बेटा? एंजाइम, ठीक है। एंजाइम हमारी बहुत मदद करते हैं किसी भी क्रिया को करवाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। वह प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा स्वपोषी अपने भोजन का निर्माण करते हैं। स्वपोषी अपने भोजन का निर्माण करते हैं, बताओ भैया उस प्रक्रिया का नाम क्या है? अरे सर प्रकाश संश्लेषण है। क्या बेटा? प्रकाश संश्लेषण। अब क्वेश्चन 10 देखेंगे हम। द्वार कोशिका कहाँ पाया जाता है? जो हमारी द्वार कोशिकाएं हैं, जो मैंने रंध्र पढ़ाया था बताया था, इसका क्या कार्य होता है और इसका कार्य भी बताया था, ठीक है, आप देख लेना। द्वार कोशिकाएं पत्तियों में पाया जाता है। द्वार कोशिका कहाँ पाई जाती है बेटा? पत्तियों में पाई जाती है। पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्रों का खोलना बेटा, इसका पहला कार्य क्या है? पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्रों का खोलना और बंद करना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है, ठीक है, खोलना और बंद करना। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। उस तत्व का नाम बताइए जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन के संश्लेषण में करते हैं। किसका बेटा? उस तत्व का नाम बताइए जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन के संश्लेषण में करते हैं, उसका नाम है बेटा नाइट्रोजन। क्या नाम है उसका? नाइट्रोजन, जो ये जड़ों से लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कवकों में पोषण किस विधि से होता है? जो कवक होते हैं उसमें कैसे होता है? आपको सबको पता है परपोषी पोषण होता है। कैसा होता है? परपोषी पोषण होता है, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। मृतपोषी पोषण क्या है? इस प्रकार के पोषण किन जीवों के द्वारा होता है? बेटा मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लो इस पर, स्टार लगा लो बिल्कुल इस पर। ये आपका 2 मार्क्स के आने का लायक क्वेश्चन है कि मृतपोषी पोषण क्या होता है, ये बताया था मैंने ये सब, ठीक है। आंसर देखेंगे, मृत पोषी पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें जीवधारी अपना पोषण मृत एवं क्षय सड़े गले हो रहे जैव पदार्थों से करते हैं। इस प्रकार के पोषण कवक एवं अधिकतर जीवाणु में होता है, ठीक है। ये था हमारा 13 क्वेश्चन। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। एक ऐसे पौधे का नाम लिखे जिसमें परजीवी पोषण होता है, बताओ। पौधे का नाम पूछ रहे, पौधे बेटा बोर्ड एग्जाम में पौधे का नाम बहुत आता है, ये बेटा पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आपको दिख रहा होगा क्या है? अमरबेल। अमरबेल आपने बेटा जाते हैं तो झाड़ियों के ऊपर एक बेटा इस लच्छा सा पड़ा रहता है, ठीक है, लच्छा सा पड़ा, पैरेट कलर का लच्छा सा ऐसे पड़ा रहता है, वो क्या होती है? वो एक्चुअली में अमरबेल होती है, ठीक है। स्वपोषी पोषण क्या है बताओ भाई? स्वपोषी पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें जीवधारी जैविक पदार्थ खाद्य का संश्लेषण अकार्बनिक स्रोत से करते हैं। इस प्रकार के पोषण हरे हरे पादप एवं स्वपोषी जीवाणु करते हैं। स्वपोषी जीवाणु भी होते हैं, आपको पता है, मैंने बताया था। परपोषी पोषण की परिभाषा दो। परपोषी पोषण क्या है बेटा? जो क्लास में करवाया बस वही है, वही क्वेश्चन आपके डिक्टो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। जिस जिस बच्चे ने यदि हमारे डिटेल लेक्चर नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यार वीडियो को
लाइक भी कर दो क्योंकि हम आपके लिए एक अच्छे अच्छे से क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखेंगे, परपोषी पोषण की परिभाषा दो। परपोषी पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें ऊर्जा की प्राप्ति पादप एवं प्राणी स्रोतों से प्राप्त जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण एवं पादप पाचन द्वारा की जाती है, ठीक है। परपोषी पोषण की परिभाषा, परपोषी क्या, जो भैया दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं। पोषण के किस विधि में अंतर्ग्रहण के पश्चात कार्बनिक पदार्थों को पाचन द्वारा सरल रूपों में परिवर्तित किया जाता है, परपोषी पोषण, परपोषी पोषण में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, पोषण के किस विधि में जीवधारी अपना खाद्य कार्बनिक स्रोतों से ग्रहण करते हैं, बताओ पोषण के किस विधि में, ये पोषण की विधि पूछ रही है, एक एक नंबर वाले हैं। जीवधारी अपना खाद्य कार्बनिक स्रोतों से ग्रहण करते हैं तो स्वपोषी पोषण में, ठीक है, इसमें बेटा स्वपोषी पोषण में। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, पोषी किसे कहते हैं, अब बताओ बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे शब्दावली आपको आने चाहिए, इसके लिए हमारे डिटेल लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे। पोषी किसे कहते हैं, जिस जीव से खाद्य का अवशोषण परजीवी करते हैं उसे पोषी कहते हैं, कैसे बता दो, जुए हैं, जुए हैं, अब जुए वो हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है तो हम जुओं के लिए क्या है बेटा, पोषी है, क्या है, पोषी है। कोई मशरूम है किसी सड़ी लकड़ी पर खड़ा है तो उसके लिए पोषी क्या है, लकड़ी है, ठीक है। जो मच्छर है उनके लिए पोषी क्या है, हमें, इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, पादप किस प्रकार खाद्य प्राप्त करते हैं, बताओ ये किस प्रकार खाद्य प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है, किस प्रकार, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण कौन कौन से चरण है, प्रकाश संश्लेषण कौन कौन से चरण है बेटा, प्रकाश संश्लेषण के दो चरण है, एक तो प्रकाश अभिक्रिया और बेटा एक अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। एक प्रकाश जो बेटा दिन में एक प्रकाश संश्लेषण होता है जो अभिक्रिया होती है वो, और एक जो बेटा रात में अभिक्रिया होती है एक वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पादप खाद्य संश्लेषण के लिए कौन कौन से कच्चे पदार्थ का उपयोग करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पादप कौन कौन से बेटा कच्चे सामग्री का उपयोग करते हैं, जल और एक कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, सभी बेटा रीड करो मेरे साथ साथ, पौधे को हरा रंग प्रदान करने वाला वर्णक किस कोशिकांग में पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया, करवाया मैंने, ठीक है। अब बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही सब्जेक्टिव बन जाता है, देखो क्या बोल रहा है, पौधों को हरा रंग प्रदान करने वाला वर्णक क्या बेटा, क्लोरोफिल, हरित लवक नामक कोशिकांग में पाया जाता है, आ गया इतना समझ में। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल का अवशोषण जड़ों द्वारा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो इसका आंसर देख लो आप, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल का अवशोषण जड़ों द्वारा परासरण, परासरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। परासरण क्या होता है बेटा, अधिक सांद्रता विलयन से विलायक के कणों का कम सांद्रण विलयन की ओर जाना, ये क्या होता है, परासरण होता है। इसके बारे में डिटेल्ड जो स्टडी आप 11th में करेंगे 12th में करेंगे, ठीक है। अब बेटा क्लोरोफिल का क्या कार्य है, क्लोरोफिल का कार्य क्या है बताओ, क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश द्वारा प्रदान किए गए ऊर्जा को स्थिर रखता है, जो भी ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है ना पेड़ पौधों को, उसको स्थिर रखता है, ठीक है, और पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ये भी कह सकते हैं। संतुलन बिंदु किसे कहते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क लगा दो इस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आंसर पढ़ेंगे हम। श्वसन क्रिया में मुक्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसकी प्रकाश संश्लेषी क्रिया हेतु वांछित मात्रा के समान होती है, ठीक है, जो भी श्वसन की प्रक्रिया में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी क्रिया हेतु वांछित मात्रा के समान होती है, जो ये होता है ये बेटा एक अपशिष्ट रूप के समान होती है, एक वांछित रूप के समान में होती है, इस स्थिति को हम संतुलन बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, पौधों में पाए जाने वाले ऐसे दो वर्णकों का वर्णकों के नाम लिखिए जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करते, बताओ भैया, एक तो हमें पता है क्लोरोफिल, एक पता में क्लोरोफिल है, तो दूसरा कौन सा मेरा, कैरोटीनॉइड, दूसरा क्या है, कैरोटीनॉइड है, ठीक है, याद रखना इस दूसरे वाले को भी, ठीक है, सब बच्चों को बेटा एक पता होता है, फिर दूसरा जिसको पता होता है ना वही बेटा जो हमारा टारगेट है 90+ वही अचीव कर पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 28, दो ऐसे अणुओं के नाम लिखो जिनका उपयोग केल्विन बेंसन चक्र में ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है, जो बेटा ये क्वेश्चन है ये आप 11th क्लास में डिटेल्ड रूप से पढ़ेंगे, ठीक है।
इसका आंसर है NADPH एवं ATP ऐसे दो अणु हैं जिनका उपयोग केल्विन बेंसन चक्र में ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है। ठीक है, आप इसके बारे में बेटा 11th क्लास में डिटेल लेक्चर डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, पढ़िए आप सभी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है, स्रोत लिखिए बताइए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है बच्चों, पढ़ेंगे हम इसका आंसर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं तभी तो ऑक्सीजन बनती है, तभी तो ऑक्सीजन बनती है, तो यही तो स्रोत है। अब देखेंगे बेटा हम 30 क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा 13th क्वेश्चन और बेटा सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम तथा न्यूनतम होती है। प्रकाश के भी बेटा 7 रंग होते हैं, सबको पता है। ठीक है, अभी हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो इसके बाद हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो कौन सा होगा, फिजिक्स का होगा है, प्रकाश वाला, उसमें हम सारा प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर पढ़ेंगे अधिकतम लाल प्रकाश में और न्यूनतम नीले प्रकाश में। क्या बेटा, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण की दर होती है लाल प्रकाश में और न्यूनतम नीले प्रकाश में। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे सारे क्वेश्चन, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप देखना बेटा बोर्ड एग्जाम में, आप बोर्ड एग्जाम में देखना बेटा, इसी में से बेटा डिट्टो उठ के आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार क्लास को 1.5x पे करके रिवाइज कर लेना, जिससे कि सारे आपके बुद्धि में बैठ जाए। ठीक है, तो और आपको मैं ये भी बता दूं बेटा, हमारी अगली क्लास आएगी उसमें हम साइंस का हम न्यू चैप्टर करने वाले हैं। कौन सा बेटा, फिजिक्स का करेंगे, PHYSICS है ना, फिजिक्स। सबको याद है फिजिक्स को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। हम फिजिक्स का करने वाले हैं, कौन सा, प्रकाश वाला, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वाला, अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहां से आपका एक न्यूमेरिकल आता है, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत है बेटा, कैसे बनाते हैं उन न्यूमेरिकल को, उसका ट्रिक क्या है, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप बेटा इस क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो लाइक कर दो, जिससे कि और भी सारे बच्चे इसको देख पाए। ठीक है बच्चों, तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक बच्चों पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।